ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं धनुर्स्तंभ, धनुर्वात या टिटनेस के बारे में। मित्रों, ये एक बैक्टीरिया संक्रमण से फैलने वाला रोग है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रिडियम कहा जाता है और यह आमतौर पर मिट्टी, धूल, जानवरों के मल आदि में पाया जाता है। टिटनेस एक घातक रोग है जिससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। टिटनेस रोगी के कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाला, तंत्रिका कोशिकाएं को प्रभावित करने वाला रोग है। टिटनेस का बैक्टीरिया मानव शरीर में आमतौर पर फटे हुए घावों पर या जहां जंग लगी हुई कीलें होती हैं, धातु के टुकड़ों या कीड़ों के काटने से, जलने से हो सकता है। हालांकि कई बार नवजात शिशुओं को यह रोग नाभि के जरिए भी फैल जाता है। इसलिए मित्रों, हमारे यहाँ डॉक्टर आदि जो हैं, जब आप कोई गर्भवती महिला होती है तो उसको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना अनिवार्य होता है और उस समय 3 दिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनको आप अवश्य लगाएं। और उसके अलावा बच्चे को भी जो इंजेक्शन आगे लगाए जाते हैं उनका पूरा सावधानी बरतें ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। और जब कहीं घाव आदि लग जाता है तो उस समय आपको तुरंत, जो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टिटनेस का इंजेक्शन आप तुरंत ले लें। वो आपके लिए, आपको बचाव करेगा, आपके रोगों से बचाव करेगा। हाँ, इसके लक्षण भी देख लेते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? टिटनेस होने पर सिर दर्द, बुखार के साथ पसीना छूटता है, चिड़चिड़ापन और झुंझुनी भी इसका लक्षण है। मित्रों, इसके साथ ही खाने को चबाने को निगलने में और सांस लेने में कई बार परेशानी होने लगती है। वहीं ज़्यादातर लोगों की मांसपेशियों में ऐंठन, जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव, दिल की धड़कन को तेज और धीमी, कई बार गति बढ़ जाती है, कई बार गति कम हो जाती है, दोनों ही हो सकता है। हालांकि टिटनेस का लक्षण बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने के बाद 6 से 10 दिन के बाद दिखाई देने शुरू होते हैं और नवजात शिशु को ये लक्षण कई बार 28 दिन में भी दिखाई देते हैं। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं मित्रों। अब आपको करना क्या है, आपको इंजेक्शन तुरंत लेना है, ये आपका तुरंत का बचाव है। लेकिन यदि आप इंजेक्शन आदि लेने से बचना चाहते हैं और आप बड़े व्यक्ति हैं, आपको घाव आदि लगा है, कहीं चोट आदि लग गई है, उस स्थिति में आप सामान्य क्या उपाय, इसका उपचार कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आपको जो घाव लगा है, पानी गुनगुने से थोड़ा गर्म लीजिए, उसमें फिटकरी घोल लीजिए और उसको फिटकरी के पानी से उस घाव को धो लीजिए। और इसके अलावा एक और तरीका है, ये लगता बहुत है पर यदि आप सहन कर सकें तो पानी में चूने को भिगा दीजिए और चूने के पानी से घाव को धो लीजिए। घाव कितना बड़ा उस अनुसार आपको चूना लेना है मित्रों। और एक डेली से आप करीब आधा ग्लास पानी बना सकते हैं, एक करीब इतनी बड़ी डेली होती है उससे आप पर चूना आपका एकदम मलाईदार होना चाहिए, चूना अच्छा होना चाहिए, चूना जो खाते हैं वही चूना होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप उसको ले लें और उसको घोल के उसके पानी से आप यदि घाव धोते हैं तो इससे भी सारे बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु मर जाते हैं, तो वो आपको काफ़ी कारगर रहेगा। और उसके अलावा यदि आपको चोट लगी है, घाव लगा है, तो आप 1-2 प्रयोग और कर सकते हैं। इसमें है निर्गुंडी का रस 10 से 15 ml रोज प्रातः ही लें तो अच्छा है। सायंकाल भी, यदि आपको ज़्यादा लग रहा है कि चोट ज़्यादा है, तो आप सायंकाल भी ले सकते हैं। 10 से 15 ml अधिक नहीं लेना है, 10 से 15 ml आप सुबह शाम ले सकते हैं। ये आप खाली पेट लें तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, अन्यथा आप भोजन के 2-3 घंटे बाद भी आप ले सकते हैं इसको। और ध्यान रहे, ये आपको 10 से 15 दिन सेवन करना है क्योंकि आपका जो पीरियड है, जो समय है ये टिटनेस बढ़ने का, घाव से करीब 10 दिन का होता है, तो 15-20 दिन तक आप ले लेंगे तो आपको समस्या नहीं रहेगी। लेकिन ये आप लेने से पहले वीडियो के विवरण की वीडियो अवश्य देखिए। यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बने हैं तो भी वीडियो के विवरण की वीडियो अवश्य देखिए, उसके अनुसार भोजन और पानी आदि का नियम पालन करें, नाक में तेल आदि डालें तो आपको सांस लेने में जो समस्या होती है वो नहीं होगी। और भोजन और पानी का नियम पालन करेंगे तो आपकी देह की जो एनर्जी कम हो गई है, जो आपका जो सहन शक्ति कम होगी वो बढ़ाने में वो अच्छी आपकी मदद करेगा, तो आप उसका पालन करें। और उसके बाद यदि आप प्राणायाम कर लेते हैं तो कोई भी इंजेक्शन आदि आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आप नियमित कम से कम 2 घंटा, यदि आप प्राणायाम के अभ्यासी हैं तो आप 2 घंटा सारे प्राणायाम मिला के कर लें, और यदि अभ्यासी नहीं हैं तो मात्र सांसों पर ध्यान और अनुलोम विलोम दोनों ही मिला के यदि, और
यदि आपको अभ्यास नहीं है, मैंने विवरण में दे रखे हैं सारे वीडियोस, आप उसका पालन करें। जैसे आपको बताया गया वैसे यदि आप प्राणायाम कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए आपको किसी इंजेक्शन आदि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उससे ही अपने भीतर की शक्ति को जगाकर और अपने रक्त को शुद्ध करके आप उसके लक्षणों को पूरी तरह समूल नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये आप आराम से कर सकते हैं, इसमें अधिक कुछ नहीं लगता है। ये आपको घर में स्वयं करना है यदि आपको केमिकल से बचना है तो, वरना सबसे आसान तरीका है आप टिटनेस का इंजेक्शन ले लीजिए। तो उसके अलावा दूसरा प्रयोग और है, एक ये निर्गुंडी का प्रयोग हो गया। उसके अलावा श्यामा तुलसी, लहसुन, प्याज और अदरक, श्यामा तुलसी, लहसुन, प्याज और अदरक चारों के 5-5 ग्राम रसों को मिला लीजिए और ये आपको दिन के दरमियान 3-3 घंटे के अंतराल पर 4 बार लेना है। एक बार में बना लीजिए, आज का एक दिन का आज का बनाया, कल दूसरे दिन बनाना है। रस कभी भी ताजा निकाल कर लेना चाहिए, रस कभी भी बासा प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोतल बंद जो रस आते हैं उसमें कुछ चीजें मिलाई जाती हैं तो बोतल बंद चल जाते हैं, लेकिन आप जो घर में बनाते हैं तो वो आप अपने अनुसार तैयार करें। हाँ, बोतल बंद रस काम करते हैं पर उतना काम नहीं करते जितना ताजा रस काम करते हैं, तो ताजा रस सबसे अच्छे होते हैं। तो ये रस आप ताजा बनाएं और एक दिन बहुत से बहुत, आज सुबह बनाया उसको 4 बार पी लिया 3-3 घंटे के अंतराल पर, और यदि आपको लग रहा है कि खराब हो गया तो 2 बार बना सकते हैं आप। तो इसको भी आप करीब 10 से 15 दिन लें, लेकिन ध्यान रहे इसमें जो लहसुन है जो अदरक है दोनों ही गर्म चीजें हैं, और यदि आपको गर्मी लग रही है, इससे गर्मी बढ़ रही है, तो पानी पहले बढ़ाना आवश्यक है। और उसके साथ आप शीतली शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं, जो आपको प्राणायाम के विवरण में मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सबकुशल प्लेलिस्ट दी है, प्राणायाम के प्रारंभिक चरण दिए, उसमें आपको इस सारे प्राणायाम का पूरा तरीका मिल जाएगा कैसे करना है, और गलतियां कहां होती वो भी मैंने बताया, सीधा बैठने से पूरा मैंने समाधान दिया हुआ है, तो वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यदि आप इतना करते हैं तो आप टिटनेस से, आप धनुर्वात से, आप धनुष्टंकार से या आप धनुस्तंभ से बच सकते हैं। इसके लक्षण यदि आ भी गए हैं तो निकल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, अधिक बहुत बड़ा काम नहीं है, सहज प्रक्रिया है, साधारण प्रक्रिया, आप बड़े आराम से इसको करके स्वतः अपने आप को लाभ दे सकते हैं। और यदि बच्चों को हुआ है तो बच्चे तो 1 घंटा भी प्राणायाम करेंगे, 10 साल से कम उम्र आयु का बच्चा है तो यदि उसने 1 घंटा अनुलोम विलोम और सांसों पर ध्यान कर लिया है, पर सांस दोनों क्रियाएँ ठीक से होनी चाहिए, ठीक से नहीं होंगी तो समाधान नहीं होगा। और साथ में ये प्रयोग कर लिया तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप हर लक्षण को आप घर में ही ठीक कर सकते हैं। पर समय ना गवाएं, चोट लगते ही ये काम करें, और यदि समस्या बढ़ गई है तो आप इसके साथ में प्राणायाम करें, पर प्राणायाम का समय आपको अधिक देना होगा। जितना जल्दी आप ठीक होना चाहते हैं उतना अधिक समय देंगे, उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। जितना अधिक नियम पालन करेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है तो कुछ समय के लिए अन्न छोड़ दें, 8-10 दिन 15-20 दिन के लिए अन्न छोड़ दें। जितनी आपकी समस्या उस अनुसार आप अन्न छोड़ दें, आप सूप और सलाद एक सलाद हमेशा लें, कोई भी एक चीज़ हमेशा खाएं, मिक्स सलाद कभी ना खाएं, वो स्वास्थ्य के नियम में मैंने बता रखा है, वहाँ आप देख लीजिए। सलाद जो सूप आप जो पियेंगे, ताज़ा सूप बनाएं, उसमें घी अवश्य डालें, घी आपको गाय का, देशी गाय का घी हो तो आपको काफ़ी लाभकारी होगा। यदि आप इतना सब पालन कर लें, मेरे पहले दर्शक हैं तो भी वीडियो विवरण के वीडियोज़ देखिए और टिटनेस के समाधान के लिए भी आप देख सकते हैं, और इतना करने से आप हर रोग को अपने ठीक कर सकते हैं। वो जो वीडियोस हैं वो हर रोग के आपको ठीक कर सकते हैं, ऐसे वीडियोस हैं वो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और उसके बाद उन विवरण के वीडियो देखने के बाद यदि कोई समस्या बचती है, कोई सवाल बचता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, उन वीडियोस में मैंने अपना नंबर दे रखा है। धन्यवाद। और कोई नया चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो पर टिप्पणी करिए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।